हेलो रिबन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारक। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में उनकी तरफ से मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस रख लिया क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, या फिर दिल की बात नहीं कह रहे हैं, तो वो देखते ही मैसेजेस के थ्रू वो आपसे आके कनेक्ट हो जाते हैं। आज फोफो पोर्टल है एंड इस फोफो पोर्टल के बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्या बात है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आया है। मैसेजेस खूबसूरत है, लेकिन फिर भी आपसे कहना है कि स्टेबिलिटी, ये आ तो रहे हैं और स्टेबिलिटी के लिए ही आने की कोशिश में है। बट एक तो मुझे ना पता नहीं क्यों मैसेज फील हुआ, बिकॉज ये पोर्टल की एनर्जी है, तो ऐसा लगा कि कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन कभी कभी ना फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं, तो वैसा भी कुछ फील हुआ। एक चीज़ है ना, वो बहुत अट्रैक्शन दे रही है, सब कुछ है, और एक चीज़ है वो अनकंडीशनल लव है। तो अनकंडीशनल लव ट्विन फ्लेम की एनर्जी, प्योर ट्विन फ्लेम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पोर्टल के वक्त ये इंसान कहना चाहता है कि जैसे वो आपसे अनकंडीशनल लव, बहुत सारा प्यार करते हैं और इसमें कंडीशंस नहीं है, जबकि अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये भी सही है। और ये जो भी हो रहा था, ये हो रहा था, हो रहा है, ये सारी एनर्जी ना आपकी ट्विन फ्लेम स्टेजेस में है। और ये एक स्टेज है जहाँ पे ना ये आपसे जो प्यार करते हैं ना, उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसे वो अट्रैक्शन समझ रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पे जो अट्रैक्शन फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये आपके करीब आना चाहते हैं। इनको ऐसा नहीं, शायद इनको नहीं पता कि बस, इनको ऐसा लगता है शायद ये अट्रैक्शन ही है, सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन जिसे जुड़ने के कगार पे है। और बस एक है, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यहाँ पे ना स्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कि ये आएंगे तो ज़रूर, बट ये अपने आप में एक स्टेबिलिटी नहीं है इनमें, क्योंकि इन्होंने शायद अपनी कोई हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए हैं। अगर ये कोई नतीजे पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो इनमें स्टेबिलिटी की कमी है, और हो सकता है कि ये स्टेबिलिटी के लिए ही आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अपने आप में ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। तो आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो स्टेबल फील करता है, एक ऐसा एहसास होता है ना कि बिखरने से ज़्यादा वो स्ट्रांग होने का एहसास होता है। तो ये किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश तो कर रहे हैं, अगर पहुँचे हैं तो ज़रूर वैसे ही बिहेव करेंगे, लेकिन अट्रैक्शन वाले जो बिहेवियर है ना, वो उनको आपकी तरफ खींच तो रहा है, लेकिन कोई स्टेबल डिसीजन देने को नहीं कर रहा। मतलब उनको पता है कि कोई नतीजे पर पहुँचना है, कोई डिसीजन लेना है, बट ये उनसे हो नहीं पा रहा है। बहुत सोच रहे हैं, आने की इच्छा तो है, बहुत ज़्यादा आने की इच्छा है, आएंगे भी ज़रूर, बट शायद आपके सवालों के जवाब ना दे पाए। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इन्हें आपका वक्त और कमिटमेंट, आपकी तरफ से थोड़ा वक्त भी चाहिए और ऐसी एनर्जी कमिटमेंट की जहाँ पे आप उनके लिए ही हो। मैंने कहा ना स्टेबिलिटी, और आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि आप हैं इनके साथ, किसी भी हालात में हैं इनके साथ। समटाइम्स आई विश आई मेट यू, कभी कभी इनका भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मतलब हम मिले हैं इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, I'm waiting for you। इन्हें आपका इंतज़ार है, इन्हें आपका इंतज़ार है कुछ साइन ऑफ सिम्टम्स के लिए, कोई सिग्नल्स के लिए, या फिर आपकी तरफ से कोई पहल हो इसके लिए। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लव दो बार आए हैं, आई कैन मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपके ऊपर जैसे स्टक है, वो ऑन करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगेन ये कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी वजह से हो पा रहे हैं, घूम फिर के ये हुए वापस आ रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, आपके पिक्चर्स अभी तक संभाले हुए हैं और इन्हें बहुत गहराई से डीपली देखते हैं,
और अट्रैक्शन की एनर्जी वहीं से बहुत फील हो रही है, और ये इंसान आपको भी अट्रैक्ट कर रहा है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप उनके लिए परफेक्ट हैं। आप कैसे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने अच्छे कितने बुरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनके लिए परफेक्ट हो ये उनको ज़रा सही लगता है। माय हार्ट एक्स फॉर यू, इनका दिल धड़कता है आप ही के लिए, धड़कता भी है आप ही के लिए। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वॉन्ट टू, इन्हें आपसे बात करने की बहुत इच्छा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट ये आप ही के बारे में सोच रहे थे। इनकी अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की आपको अट्रैक्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। ये आपको ना लव से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो रिश्ता आप दोनों के बीच में यूनिक है ना उससे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के ज़्यादा है, क्योंकि आपने जो लेसन उन्हें सिखाए थे वो उन्हें समझ में आ रहे हैं, उन्हें वो समझ में आ रहे हैं। ये मतलब डेफिनेटली ये अपने आप में कोई चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।